दिल्ली के कई इलाकों में लगातार एनआरसी और सीएए को लेकर हो रहे हंगामे और उग्र प्रदर्शन में तमाम लोगों की मौत हो गई। इस उग्र प्रदर्शन से दिल्ली की शांति भी भंग हो गई है। आम लोग डरे और सहमे हुए हैं। इसको लेकर दिल्ली की आरकेपुरम स्थित सेंट थॉमस चर्च के फादर और सैकड़ों स्थानीय हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी ने हाथों में कैंडल लेकर 2 किलोमीटर से ज्यादा शांति कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च देर शाम करीब 8 बजे दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए और उसके साथ ही फैल रही दिल्ली में अशांति के लिए निकाला गया। थिंक लव, थिंक पीस, थिंक हार्मनी। हाथों में कैंडल और जुबां पर शांति। सड़क पर पैदल मार्च कर रहे ये सभी लोग सैकड़ों एक समुदाय के नहीं हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। और इन लोगों ने दिल्ली में बढ़ रही हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ मारे गए लोगों के आत्मा की शांति के लिए इन्होंने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पर जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें लगभग 25 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है और जिसके साथ साथ इस तमाम लोग और घायल हैं। इस घटना के बाद पूरी दिल्ली में डर का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं, जिसको लेकर आरकेपुरम के सेंट थॉमस चर्च के लोगों ने साथ में मिलकर ब्रह्म कुमारी संस्था की साथ भी ये कैंडल मार्च निकाला। हमारा तो बस यही कहना है कि जो फादर से हम भी सहमत है कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान होने के नाते प्लस भारत में हम सभी भारतवासी हैं तो आपस में हम एक बहुत बड़ा परिवार है। जो ब्रह्म कुमारीज भी बहुत बिलीव करती है कि हम सभी उसकी संतान हैं तो आपस में हम भाई भाई हो जाते हैं। तो आत्मा के नाते हमारा स्वधर्म ही शांति और प्रेम है तो उसी को हमें फैलाना है और मजबूत करना है। और जिनके जो हिंसा हो रही है वो हमारे फायदे की नहीं है, नुकसान हमारा आपस में हम खुद ही कर रहे हैं, जबकि हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो हमारा भी यही संदेश है कि इस हिंसा से किसी को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, घर उजड़ रहे हैं, परिवार को नुकसान हो रहा है, प्लस समाज में भी बहुत सारी हिंसा जो पैदा हो रही है, नफरत जो हो रही है उसको प्यार में बदलें। और ये शांति यात्रा जो की है उसमें हमें भी बहुत खुशी है कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं ताकि हम शांति का मैसेज सबको पहुँचा सकें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम फलक है। फलक, हम यहाँ ब्रह्म कुमारी का जो लोकल मोहम्मदपुर का सेवा केंद्र है वहाँ से हम आए हैं। हम इसलिए जुलूस निकाल रहे हैं कि दिल्ली में शांति फैलाए, शांति हो जाए। एक धर्म होती है प्यार की धर्म, एक ही भाषा होती है प्यार की भाषा। अगर उसके लिए नुकसान होता है हम होने नहीं देंगे। हम भारतवासी हैं, शांति प्रेमी हैं और शांति के लिए हम हमेशा तैयार होना है। जो भाई बहनों की जो मृत्यु हो चुका है बड़ी दुख लग रहा है। भारतवासी होते हुए ऐसे हमारा भाई बहन का इसे गड़ी बड़ी दुख क्यों होना है? सारे धर्म अच्छा है, कोई धर्म ऐसे नहीं कि वो हेट्रेड को फैलाता है। सारे धर्म प्यार के बारे में ही बताता है और संदेश देता है। उस प्यार को हम मजबूत रखेंगे और देश के लिए प्रार्थना करेंगे, शांति हमेशा हर जगह में हो जाए। और कृपया करके हम सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि शांति के लिए खड़े हो जाइए, हाथ उठाइए, कभी हम कभी भी बाहर न जाएं, प्यार के बाहर न जाएं। फादर, कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्या कुछ कहेंगे? हम सब भाई हैं, मुसलमान भी हो, हिंदू भी हो और ईसाई भी हो, हम सब एक है, एक परिवार के हैं, एक पिता परमेश्वर हैं और उसे अलावा कुछ नहीं है। फादर, दिल्ली में हिंसा में 22 से 23 लोगों की मौत हो गई और लोग बेघर हो गए और जिस तरीके से हॉस्पिटल में सारे लोग एडमिट है, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम शांति रखें और प्यार में ही हम रहें। ये जो आप लोगों ने जुलूस निकाला है करीब कितने लोग शामिल हैं इसमें? ये कम से कम होगा 500-600 हजार लोगों की तरफ हो सकता है। करीब यहाँ सर्वधर्म के लोग आए हैं, सिर्फ ईसाई लोग नहीं है, हिंदू भाई बहन भी हैं और मुसलमान भी हैं, सब लोग आए हैं, एक साथ हम जुलूस निकलवा। क्या अपील करना चाहेंगे देशवासियों? हम अपनी देशवासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि हमेशा शांति में रहिए और प्यार को बांटो और कभी भी नफरत को मत फैलाना। हम एक साथ रहेंगे। Thank you.